बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे वीवर। तो ब्लॉक की मदद से चार मरले के ऊपर डिज़ाइन किया गया एक नहायत ही खूबसूरत घर आप दोस्तों के लिए लेकर हाजिर हैं। उम्मीद है कि ये घर आप दोस्तों को भी पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हर रोज़ हम आप दोस्तों के लिए लेकर आते हैं। तो अगर जिस घर की मुकम्मल कवर एरिया की बात करें तो 33x30 फुट के ऊपर जी इस घर को डिज़ाइन किया गया, यानी कि जो इस घर का कवर एरिया है वो जी 990 स्क्वायर फुट के ऊपर मुश्तमल है। तो टोटल जी इस घर के ऊपर आपके ब्लॉक कितने लगेंगे? अगर आप ब्लॉक की मदद से ये घर डिज़ाइन करते हो तो टोटल कॉस्ट आपकी इस घर के ऊपर कितनी आएगी? इंशाल्लाह जी आप दोस्तों को इस घर के बारे में मुकम्मल गाइड करेंगे। तो फ्रंट जी इसका आप चेकआउट कर सकते हो कि किस तरह जी इसके ऊपर काम किया गया है। जो इसका जी ये पर्दा है, आप अगर इसको ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हो तो कोशिश करें कि ये पर्दा ईंट की मदद से डिज़ाइन करें, तो इंशाल्लाह जी ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगा। ऊपर वाले हिस्से में स्टील की ग्रिल का इस्तेमाल किया गया, नीचे दो दो जालियाँ आप चेकआउट कर सकते हो। एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक जी ये एक टक डिज़ाइन किया गया है, इसमें ये तीन बत्ते डिज़ाइन किए गए हैं। साइडों के ऊपर जो ये पिलर हैं इनकी मुकम्मल चौड़ाई 18 इंच के ऊपर मुश्तमल है, और इनके ऊपर जी 4 इंच पाइप का इस्तेमाल किया गया। बीच वाले हिस्से में 9 इंच की जरी भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो इसके आगे जी ये पर्दा मुकम्मल आप देखें कि किस तरह जी इसके ऊपर आपने काम करना है। जिस हिस्से के ऊपर जी आपने ग्रिल का इस्तेमाल करना है, बीच वाले हिस्से में इसके ऊपर भी दो बत्ते डिज़ाइन किए गए हैं। बीच वाले हिस्से में जी ये मुकम्मल फ्लावर की जगह छोड़ी गई है, आप चेकआउट कर सकते हो। पहले जी नीचे एक स्लैब डाली गई है और इसके बाद जी दूसरी, टोटल 3 स्लैब इस जगह के ऊपर डिज़ाइन किए गए हैं। तो ऊपर जी ये ममटी भी आप इसकी चेकआउट कर सकते हो। तो फ्रंट के ऊपर जो ये डोर डिज़ाइन किए गए हैं, यहाँ से लेकर इस पिलर तक इसकी जो मुकम्मल चौड़ाई है वो जी 9 फुट के ऊपर मुश्तमल है। सेम इतनी ही पैमाइश के ऊपर इस साइड पर ये डोर डिज़ाइन किया गया। तो अगर जी मुकम्मल इनकी ऊंचाई की बात करें तो 10 फुट जी इनकी मुकम्मल ऊंचाई है। अगर मुकम्मल घर की हाइट की बात करें तो 11 फुट जी इस घर की हमने मुकम्मल हाइट रखी है। तो पहला बेडरूम जी इस साइड के ऊपर आप चेकआउट कर सकते हो। इसके आगे जी जो ये ओपन बरामदा बनाया गया है, इसी में ही सीढ़ी के ऊपर आपने काम करना है। तो सामने ही आप इसका जी ये टीवी लॉन्च भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए जी चलते हैं इस घर के अंदर। तो 3D प्लान में जी ये घर आपको इस तरह नज़र आएगा, आप जी इसको मुकम्मल चेकआउट कर सकते हो। बैक साइड के ऊपर जी 2 बेडरूम डिज़ाइन किए गए हैं। बीच वाले हिस्से में किचन आप चेकआउट कर सकते हो। इसके आगे जी ये रहेगा वेंटिलेशन, और इस साइड के ऊपर जी ये बाथरूम डिज़ाइन किया गया काफ़ी वसी हिस्से पर टोटल घर के लिए। तो इसके आगे जी ये टीवी लॉन्च आप चेकआउट कर सकते हो। इस बेडरूम का जो डोर है वो जी इसी में से ही दिया गया, और दूसरा डोर जी इस वेंटिलेशन से इस बेडरूम को दिया गया। तो बाकी जी तीसरा बेडरूम आप इस साइड के ऊपर चेकआउट कर सकते हो, और काफ़ी वसी हिस्से के ऊपर जी ये बरामदा भी डिज़ाइन किया गया। बरामदे में ही सीढ़ी के ऊपर जी आपने काम करना है। तो अगर जिस घर के ऊपर मुकम्मल कॉस्ट की बात करें तो 20 लाख रुपया, अगर जी ब्लॉक की मदद से आप ये घर डिज़ाइन करते हो तो आपका खर्च जाएगा। अगर मुकम्मल ब्लॉक की कॉस्ट की बात करें तो 2800 बगैर बुनियाद के जी इस घर के ऊपर आपका ब्लॉक लगेगा। ये रहेगा जी इस घर का प्लान, आप इसको भी मुकम्मल चेकआउट कर सकते हो। बरामदे के जो ये 2 डोर डिज़ाइन किए गए हैं, इनकी मुकम्मल चौड़ाई 9 फुट के ऊपर मुश्तमल है, ऊंचाई 10 फुट है। मुकम्मल जी इस घर की जो हाइट है वो जी 11 फुट के ऊपर मुश्तमल है। तो ये रहेगा जी इसका पहला बेडरूम, 11x11 फुट के ऊपर जी इसको डिज़ाइन किया गया है। 4x5 फुट के ऊपर जी ये विंडो लगाई गई है, यानी कि 4 फुट इसकी चौड़ाई है, 5 फुट ऊंचाई है। तो ये रहेगा जी इसका बरामदा, आप चेकआउट कर सकते हो। 20x6 फुट 5 इंच के ऊपर जी ये डिज़ाइन किया, यानी कि जो इसकी लंबाई है वो जी 6 फुट 5 इंच के ऊपर मुश्तमल है, चौड़ाई 20 फुट है। तो इस साइड के ऊपर जी ये स्टेयर भी आप चेकआउट कर सकते हो, यानी कि जिन्ना इसकी जो मुकम्मल चौड़ाई है वो जी 6 फुट 1 इंच के ऊपर मुश्तमल है। तो इसके आगे जी ये आप पहला बेडरूम चेकआउट कर सकते हो। तो इसके आगे जी ये दूसरा बेडरूम आप चेकआउट कर सकते हो। 12x12 फुट के ऊपर जी इसको डिज़ाइन किया गया, इस साइड के ऊपर जी 11x12 फुट के ऊपर तीसरा बेडरूम भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो जो ये किचन डिज़ाइन किया गया है 7 फुट 4x6 फुट 5 इंच के ऊपर मुश्तमल है, और इसके आगे जी ये ओपन हिस्सा यानी कि वेंटिलेशन इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबाई है वो जी 4 फुट 9 इंच के ऊपर मुश्तमल है, और जो चौड़ाई है वो जी 7 फुट 4 इंच के ऊपर मुश्तमल है।